आई और जानकारी लेते हैं। मैडम आपका नाम? राधा शर्मा है, मैं हमदर्द नगर प्रोजेक्ट से हूँ। राधा शर्मा जी, हाँ जी। सर मैं 25 साल हो गए मुझे, बेस्ट वर्कर अवार्डेड थे हम दिल्ली के, और उसके बाद हमें प्रमोशन के तौर पे ये दिया गया कि ठेके के तौर पे तुम्हें सुपरवाइज़र बना दिया। जब पहले ऑफिस के थ्रू कॉन्टैक्ट लिया गया तो हम लोगों को ठेकेदारी क्यों दी गई? ये ऑफिस की गलती है, हमारी गलती नहीं है। हमने पूरी मेहनत लगन ईमानदारी से इस सरकार का साथ दिया, इस डिपार्टमेंट का साथ दिया, उसके बाद हम लोगों को ये कहते हैं कि तुम लोगों में से 64 लोगों को निकाल दिया जाता है। क्यों निकाला जाता है हमें? क्यों कहा जाता है हमसे? हमें कोई इसका मोबाइल का नहीं मिलता, हमें कोई नेट का पैसा नहीं मिलता, हम घरों में रात रात भर पूरे बैठ के काम। मैं 2 महीने से करीब बेड रेस्ट पर हूँ क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा पेन है, डॉक्टरों ने बेड रेस्ट बता रखा, फिर भी मैं इनके सपोर्ट में जा रही हूँ। चाहे मैं सुबह आ सकती हूँ या दोपहर में आ सकती हूँ, पेन किलर खा के आ रही हूँ मैं कि मैं साथ दूँ इनका। क्यों निकाला जा रहा है हम लोगों को? क्यों हमें ये बाहर ये क्या कहते हैं भेदभाव क्यों किया जा रहा है हम लोगों से? सरकारी नौकरी वाले जिन्हें एक बार मिल जाती है वो चाहे काम करें या नहीं करें, उन लोगों को पूरी सैलरी मिलती है। हम लोगों को अपनी हिम्मत से ज़्यादा काम करने के बाद भी हम लोगों को कोई सैलरी टाइम पे नहीं मिलती, हम लोगों को कोई दूसरा अलाउंस नहीं मिलता, हम लोगों को कोई कन्वेंस नहीं मिलती है। उसके बाद हमें कभी कहते हैं हेड ऑफिस जाओ, कभी कहते हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिस जाओ, कभी कहते हैं कहीं जाओ। रेगुलर नहीं करती काम, कॉन्ट्रैक्ट वालों को कराया जाता है ज़्यादा काम। बढ़ाओ ने बढ़ाओ।